वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी टॉपिक अपडेट। दी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री की, जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और आप लोग को भी पता होगा ये कितने इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी एग्जाम में इसके जो भी स्थापना मतलब ऐसे ही होते हैं तो वो ईयर्स पूछ लिया जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो भी हिस्ट्री के ये टॉपिक है और बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं काफ़ी बार ये पूछा गया है और अभी बिहार के एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संस्थाएं हैं, संस्थापक हैं, स्थापना है, इनका कब हुआ था। सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की बात कर लें तो ये 1784 में हुआ है और इनके संस्थापक विलियम जोन्स हैं। इनके संस्थापक हैं तो एशियाटिक सोसाइटी के। आगे बात कर लेते हैं आत्मीय सभा। आत्मीय सभा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना किया गया है इनका, और बात कर लें तो 1815 में। आप इसमें एक बार नज़र में आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि अब बिहार के एग्ज़ाम में इसमें पूछ रहा है। आगे बात कर लेते हैं वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने किया है, तो ये भी राम मोहन राय द्वारा किया गया है। राजा राम मोहन के जो भी हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसे ध्यान रखिएगा। ये 1825 में इसे टिक कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। कि वेदांता कॉलेज जो है किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन द्वारा 1825 में। आगे है युवा बंगाल आंदोलन की बात कर लें तो 1826 में इसकी स्थापना होता है। और इनकी बात कर लें तो हेनरी लुइस विलियम और डिरोजियो द्वारा ये किया जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स, आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन 1825 वेदांता कॉलेज का भी करते हैं, वही युवा बंगाल आंदोलन की बात कर लें तो इनका 1826 में हेनरी लुई विलियम्स डिरोजियो द्वारा। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है ब्रह्म समाज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्रह्म समाज के बारे में पूछें तो इसका स्थापना कब होता है। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन द्वारा किया जाता है। कब किया गया है, 1828 में। कौन सा ब्रह्म समाज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्रह्म समाज, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तद्बोधनी सभा की बात कर लें तो 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये किया गया है। 1839 में तद्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर। परमहंस मंडली 1840 में ये किया गया है और गोपाल हरिदेश मुख द्वारा। 1840 में परमहंस मंडली का स्थापना होता है और गोपाल देशमुख द्वारा किया जाता है। रहा नुमाई माज दयान सभा, बात करने ईस्वी की तो 1851 में करते हैं और ये करने वाले कौन है, तो दादा भाई नेरोजी है। आगे बालिका विद्यालय, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बालिका विद्यालय की बात करें तो 1851 में होती है और करने वाले हैं ज्योतिबा फुले द्वारा बालिका विद्यालय 1851 में स्थापना किया जाता है। आगे है मोहम्मदन एंग्लो लिटरेटी सोसाइटी। तो ये 1863 में अब्दुल लतीफ के द्वारा ये स्थापना किया जाता है। अब्दुल लतीफ 1863 में। आगे है साइंटिफिक सोसाइटी की बात कर लें, ये कौन है साइंटिफिक सोसाइटी का, तो 1864 में करता है सर सैयद अहमद खां द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी
का स्थापना 1867 ईस्वी में किया जाता है। आगे है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी द्वारा 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो 1867 ईस्वी में एमजी रानाडे द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो एमजी रानाडे द्वारा किया जाता है। एमजी रानाडे इनके थे पूना सार्वजनिक सभा। आगे है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा की बात कर लें तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। और बात कर लें तो केशव चंद के सहयोग से एमजी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग थे। आगे बात कर लेते हैं वेद समाज की बात कर लें तो वेद समाज का स्थापना कब होता है? तो 1867 ईस्वी में। वेद समाज की बात कर लें 1867 ईस्वी में आचार्य केशव सेन द्वारा। 1867 में किसके द्वारा? आचार्य केशव सेन द्वारा ये किया जाता है। आगे है सत्य शोधन समाज का स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ज्योतिबा फुले द्वारा किया जाता है, सत्यशोधन समाज 1873 ज्योतिबा फुले। आगे है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये है 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा ये किया जाता है। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आगे इंडियन लिंक की बात कर लें तो 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष है 1875 ईस्वी में। आगे है आर्य समाज काफी इम्पोर्टेंट है, ये है 1875 ईस्वी में, इसका ईस्वी याद कर लीजिए 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह स्थापना किया जाता है। कब किया जाता है? आर्य समाज का 1875 में। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये 1875 में जी इसका किया जाता है। इसका संस्थापक की बात कर लें तो मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अल्टाइड हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 से डेट याद रख लीजिए, और मैडम ब्लावस्की एवं कर्नल अल्टाइड हैं। आगे हैं इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा ये किया जाता है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1835 ब्योमचंद चटर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी इम्पोर्टेंट है, 1885 में एओ नूम द्वारा किया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में होता है, ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयब जी द्वारा ये किया जाता है। ये क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी। बेलूर मठ काफी इम्पोर्टेंट है, बेलूर मठ किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का। ईस्वी की बात करें तो 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा ये स्थापना किया जाता है। आइए शारदा सदन की बात करें, 1889 ईस्वी में रामा वाई द्वारा यह स्थापना किया जाता है शारदा सदन का। रामकृष्ण मिशन की बात कर लें तो रामकृष्ण मिशन 1997 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया जाता है रामकृष्ण मिशन का। अभिनव भारत संस्थान की बात करें तो 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर एवं सावरकर द्वारा ये किया जाता है, अभिनव भारत संस्थान 1904 में। सर्जेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करें 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया जाता है। मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा यह किया जाता है।
काफी इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। आगे है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की बात कर लें तो 1907 ईस्वी में श्री अरविंद घोष भूपेंद्र दत्त, श्री अरविंद घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा ये अनुशीलन समिति का स्थापना किया जाता है 1907 में। सोशल सर्विस लिंक, सोशल सर्विस लिंक की बात कर लें तो 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा यह स्थापना किया जाता है। विश्व भारती काफी इम्पोर्टेंट है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा किया जाता है 1912 ईस्वी में। आई है गरड़ पार्टी, लाला हरदयाल द्वारा यह और काशी राम द्वारा यह 1913 ईस्वी में किया जाता है। गरड़ पार्टी की स्थापना सेंस फ्रांसिस्को में किया जाता है, ये भी याद रखें। हिंदू महासभा की बात कर लें तो ये 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह स्थापना किया जाता है। होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा किया गया है। होम रूल का स्थापना 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की बात करें 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा यह स्थापना किया जाता है। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे और 1919 में ये होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की बात कर लें तो 1920 ईस्वी में स्थापना होती है और एम जोशी द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काफी इम्पोर्टेंट है 1920। स्वराज पार्टी की बात कर लें तो 1927 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इम्पोर्टेंट है, इसके लिए टिक कर लें स्वराज पार्टी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल 1924, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिन सान्याल द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात कर ले तो 1924 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये स्थापना किया जाता है, बहिष्कृत हितकारिणी महासभा। आगे है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर ले तो 1925 में डॉक्टर हेट गवार के द्वारा यह स्थापना किया जाता है। बाकी आगे है नौजवान सभा। नौजवान सभा की बात कर लें तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह और छबील दास एवं यशपाल इन दिनों द्वारा नौजवान सभा का किया जाता है। नौजवान सभा भी पूछ लिया गया है काफी बार। हिंदू सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर लें तो इसके 1928 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा यह किया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। खुदाई खिदमतगार काफी इम्पोर्टेंट है, बात कर लें अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1930 ईस्वी में किया जाता है। हरिजन सेवक संघ इनका पुणे में हुआ था 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह स्थापना किया जाता है, हरिजन सेवक संघ। आगे है स्वराज सैनिक पार्टी। स्वराज सैनिक की पार्टी की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1936 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह स्थापना किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक को कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आजाद हिंद फौज की बात करें तो राज बिहारी बोस काफी इंपोर्टेंट है, 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आजाद हिंद सरकार की बात करें तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये किया जाता है। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक थे, काफी इंपोर्टेंट थे और ये आपको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं UPSC या BPSC सभी में ये पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको खुद पता होगा कि आपने जो भी एग्जाम मतलब दिए होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसे अच्छे तरह आप रिवाइज कर लीजिएगा और बार बार इसे देख सकते हैं। आप इसको नोट बना लीजिए, जो आपको याद नहीं रहता उसे नोट करके भी याद कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे कौन से टॉपिक आपके वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।